क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इक्वेशन या पॉलीनोमियल ना, इक्वेशन बोलते हैं क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी है। अब इसका सॉल्यूशन निकल रहा होता है तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो करते हैं तो इसका सपोज कर लेते हैं, इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ पी एक्स क्या है, अल्फा एंड बीटा है, इसका पावर दो है ना, इसका दो रूट होंगे अल्फा और बीटा है। जब इक्वेशन का या पॉलीनोमियल का जब सॉल्यूशन होता है ना, उस सॉल्यूशन को जब पॉलीनोमियल में रखते हैं तो वो क्या ये इस पॉलीनोमियल को पूरे सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि पी ऑफ एक्स पी ऑफ अल्फा शुड बी जीरो और पी ऑफ बीटा शुड बी जीरो। एक जगह में अल्फा रखेंगे, एक जगह में बीटा रखते हैं, ठीक है, तो अल्फा रखे पी ऑफ अल्फा क्या होगा जी, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, ये क्या होना चाहिए जी, जीरो। और ये क्या होगा, बीटा रखेंगे तो पी बीटा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप सपोज कीजिए कि अगर इनमें से एक घटा देंगे पी ऑफ अल्फा माइनस पी ऑफ बीटा, ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा माइनस बीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ना, जीरो मतलब ये टर्म पूरे जीरो है, इसको देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ से ए क्या है जी, इसको देख सकते हैं, ए अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर देखते हैं ये जो टर्म है, ये अल्फा माइनस बीटा क्या है जी, दोनों सेम है तो इक्वेट कॉमन ले ले, तो कॉमन ले लेते हैं अल्फा माइनस बीटा बाहर कर लिए तो बाकी क्या बचा जी, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी जीरो। इसका मतलब क्या है, या तो ए जीरो होगा या तो ए जीरो, तभी ये इक्वेशन पूरे जीरो होंगे। तो पहला वाला लेते हैं, सपोज कर लिए अल्फा माइनस बीटा क्या है जी, जीरो है, इसका मतलब क्या है, अल्फा इक्वल टू इसका मतलब क्या है, ए इक्वल रूट्स है ना, इसका मतलब क्या है जी, इक्वल रूट्स है, ठीक है, अगर इससे कंडीशन में आया तो, ठीक है, सबको जीरो कर देगा। दूसरा क्या है जी, दूसरा है कि अगर ए जीरो हो जाए, क्या जी, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, इक्वल नहीं है, कैसे, देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा ये दोनों क्या है जी, जोड़ो जोड़ेंगे तो अल्फा माइनस बी बाई ए होगा, ठीक है। तो एक यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ए और सॉरी ए बी सी ए क्या है जी, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट किसका है जी, कोफिशिएंट ऑफ पी ऑफ एक्स ये है ना, और अल्फा बीटा क्या है जी, रूट्स ऑफ पी ऑफ एक्स। तो इन दोनों में एक रिलेशन आ रहा है ना,
कॉफिशियंट और रूट्स के बीच में रिलेशन आ रहा है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बी बाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सीकल टू जीरो है, जिसको लिख सकते हैं एक्स प्लस बी बाई प्लस सी बाई जीरो, ठीक है। इसका मतलब है कि एक्स इसके जगह रख दें बीटा बाई, ये क्या हो जाएगा एक्स अल्फा प्लस बीटा एक्स 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 सॉरी, इसमें क्या है गलत किए क्या है कि यहाँ से एक कॉमन लेंगे ना बाहर निकालेंगे तो क्या होगा ए डिवाइड हो जाएगा, नहीं समझे, यहाँ पर ए है हाँ हाँ हो जाएगा, तो अगर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो क्या जाएगा बी एक्स ही बचेगा सी बचेगा, इसलिए ऐसे ठीक है ऐसे होगा इसका स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स कहाँ गया, हाँ सॉरी एक्स ना और प्लस और सी बाई ए है ना, तो सी बाई ए कुछ है ये भी रिलेशन होना चाहिए किसके बीच में जी अल्फा और बीटा के। एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए जो है कैन नॉट इज इक्वल टू, पता है ना यहाँ पर क्या है ये जीरो नहीं हो सकता, अगर जैसे जीरो होगा तो क्या हो जाएगा जी जी कौन सा पॉलीनोमियल बन जाएगा, लीनियर हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्वाड्रेटिक होने के लिए क्या हो जाएगी ए का वैल्यू जो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको चेंज करना है ना, सी बाई ए क्या है जी ये भी कुछ वैल्यू होना चाहिए ना, तो इसको कैसे करते हैं इसको सोचिए, सी बाई ए को अल्फा इंटू बीटा लेते हैं, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा लेते हैं तो क्या करते हैं जी एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इंटू प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। सी बाई ए के रूप में अल्फा इंटू बीटा लिए खुद से लिए हैं, अभी समझ में आ जाएगा क्यों लिए है ना, हाँ अल्फा इंटू बीटा लिए, तब इसको कर रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं जी, इसको एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं जी एक्स माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन ले लिए एक्स माइनस अल्फा और इनमें से कॉमन ले लिए क्या ले लेंगे बीटा, एक्स माइनस यहाँ से माइनस कॉमा ले लिए अभी तो हो गया इक्वल टू जीरो, अब ये दोनों क्या है टर्म कॉमा एक्स माइनस अल्फा और एक क्या होता है एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो एक चीज पता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको फैक्टर मेथड के थ्रू भी बनाया जा सकता है, फैक्टर मेथड के थ्रू भी ये क्या बोलते हैं रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो ए जीरो होगा या तो ए जीरो, अगर एक्स माइनस अल्फा इक्वल जीरो हो गया तो क्या एक्स क्या होगा जी, अगर एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो हो गया तो एक्स क्या हो जाएगा जी बीटा, ठीक है। इसका मतलब है कि हम जनरली जो फॉर्मूला यूज करते हैं बी स्क्वायर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपन टू ए,
किस मेथड से निकाल सकते हैं? एक मेथड क्या है जे, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो तुम्हारा भी क्या है, अल्फा बीटा रूट्स आ रहा। तो यहाँ पर जो अल्फा बीटा इक्वल टू सी ए लिए है, इसका मतलब क्या है, करेक्ट है एजम्पशन? एजम्पशन क्या है, करेक्ट है? ठीक है, जनरली जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू से जब निकालते हैं फैक्टराइजेशन, तो क्या करते हैं, मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स ऐसे फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो लिखते हैं, तो हम जनरली क्या करते हैं, इस को टू टर्म्स में दो नंबर्स में डिवाइड करते हैं, और उनका जो समेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बीच वाला का बराबर होना चाहिए। ठीक है, यही करते हैं। क्या करते हैं, सिक्स को वन इंटू फाइव करेंगे या तो थ्री इंटू टू होगा, यानी थ्री प्लस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा ना, या तो अब बाकी नहीं आएगा फाइव आने के लिए। ठीक है, एक यही ऑप्शन है। इसको क्या लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर थ्री प्लस टू एक्स प्लस सिक्स लिख रहे हैं। ठीक है, आप ये देखिए, यही तो टर्म है जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, मतलब ए वाला टर्म। ठीक है, अब इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, एक्स को मान लिए एक्स प्लस थ्री, टू को मान लिए एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, अब यहाँ को मानेंगे क्या लेंगे, एक्स प्लस थ्री इसको को मान लीजिए और एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कि या तो ए जीरो होगा या तो ए जीरो, अगर ए जीरो हुआ एक्स प्लस थ्री जीरो होगा तो इसका मतलब क्या, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स प्लस टू जीरो हुआ तो इसका मतलब एक्स टू, तो यहाँ पर क्या अल्फा क्या है जे माइनस थ्री है और बीटा क्या है जे माइनस टू है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर अल्फा बीटा को गुणा करेंगे, अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू क्या चेक कर रहा है। ठीक है, इसलिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक को मान लीजिए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा अल्फा सॉरी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू। ठीक है, तो इसका मतलब कि फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम अल्फा बीटा रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या फाइंड कीजिए, तो यहाँ से आप लोग फाइंड किए हैं रिलेशन, क्या फाइंड किए हैं, एक ये रिलेशन फाइंड किया है अल्फा इंटू बीटा क्या होगा जी, सी बाई ए के बराबर होगा, और दूसरा रिलेशन क्या फाइंड किया है जी, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा जी, माइनस बी बाई ए, जब इक्वेशन ठीक है।